हेलो गाइज, वेलकम टू किंग मॉन्स्टर एडिट्स। तो भाई लोग, ज़माना कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे एक छोटा सा कीपैड जो है वो फ़ोन से, जिसमें भाई FM का एक ऑप्शन होता था और नीचे से भाई एंटीना भी निकलता था, ठीक है। और यहाँ पर जब हम लोग उसको प्ले करते थे तो कोई सा भी एक जो है वो स्टेशन पकड़ता था जिससे ऑडियो प्ले होता था, और जिसको सुन करके हम लोग काफ़ी इंजॉय करते थे, क्योंकि उस टाइम पर यहाँ पर से वो मेमोरी कार्ड SD कार्ड का ऑप्शन नहीं था, ठीक है। फिर बाद में आ गया स्मार्टफोन, जिसमें SD कार्ड वगैरह लगा करके हम लोग सुनने लगे, ठीक है। उसमें एक हेडफोन लगाने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो हेडफोन लगा करके भी हम लोग सुनने लगे, काफ़ी इंजॉय करने लगे। बट अभी जो ज़माना आ गया है भाई, यहाँ पर से वायर्ड चीज़ कोई भी यूज़ करना पसंद नहीं करता, ठीक है। चाहे बात करें इस माइक की, चाहे बात करें ब्लूटूथ की, तो भाई अभी के टाइम में ये जो ब्लूटूथ हेडफोन होते हैं भाई, यहाँ पर से वो काफ़ी टाइप के होते हैं। यहाँ पर से आपको ये 150 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट काफ़ी लोगों का यहाँ पर से वो सर्च रहता है कि हम लोग एक अच्छा से अच्छा ब्लूटूथ जो है वो परचेस करें, उसके बाद हम लोग उसको इन्जॉय करें। क्योंकि यहाँ पर से कोई भी विदाउट कंपनी का आप परचेस कर लेते हैं, यानी कि 400-500 रुपीस का, तो भाई उसको आप 3-4 मंथ तक यूज़ करेंगे, उसके बाद सीधा क्या हो जाएगा कि भाई आपका एक साइड का जो सुनने वाला है वो ख़राब हो जाएगा, या तो आपका बैटरी जो है वो भाई बैकअप नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह से एक बार पैसा लगाएं, लेकिन वो आप सही जगह पर लगाएं, क्योंकि जब आप सही जगह पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर से आप उसको अच्छा इन्जॉय कर पाएंगे। तो फिलहाल आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूं एक ब्लूटूथ हेडफोन का, जो कि भाई आपको बहुत ज्यादा प्राइस तो नहीं पड़ेगा, बट यहां पर से आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आप सभी को यहां पर से वो दिखाता हूं कि ये भाई कौन सा ब्लूटूथ है, और मैं किसी का प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा, जो मुझे सही लगता है बस मैं उसी के बारे में बताता हूं, ठीक है। तो फिलहाल ये देख सकते कि यहां पर ये बोल्ट का है, ठीक है। बोल्ट ऑडियो जो है वो F चार्ज करके इसका नाम है, और यहां पर से ये जो विकी कौशल है, ये बोल्ट का भाई यहां पर से स्पॉन्सरशिप लिया हुआ है, जिसकी वजह से हर बोल्ट वाले प्रोडक्ट पे इसका फोटो आता है, चाहे आप स्मार्ट वॉच ले लें या ब्लूटूथ हेडफोन ले लें, ठीक है, जो भी है। तो यहां पर से मैं आप सभी को इसका जो है वो अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं कि भाई इसमें क्या मिलता है आपको, कैसा क्वालिटी वगैरह मिलता है, कितना प्राइस आपको देना पड़ता है, टोटल चीज मैं आप सबको इस वीडियो पे दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पूरा हम लोग देख लेते हैं, और यहां पर से मैं इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूं कि भाई इसमें क्या क्या अंदर देखने के लिए मिलता है। और भाई यहां पर से फिलहाल एक आपको, अगर आप ऑनलाइन ये करेंगे तो एक बिल भी मिलेगा, तो इस बिल में क्या होगा कि आपका एड्रेस वगैरह दिया हुआ रहेगा, क्या प्राइस लगा है नहीं लगा है, टोटल चीज यहां पर से आपको शो होगा, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है और कैसा ये फील देता है। तो चलिए अभी हम लोग इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं पूरा, भाई चारों तरफ से एकदम सील वगैरह किया हुआ है, और मेरे पास अनबॉक्सिंग करने के लिए भाई यही है। फिलहाल आप लोग इसे अनबॉक्सिंग नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर से मेरे पास अभी जल्दीबाजी में कुछ था नहीं। अभी मैं इसको यहाँ पर से वो इसका जो कवर है उसको मैं हटाता हूँ, और देख लेते हैं कि भाई अंदर में कैसा हमें प्रोडक्ट मिलता है, और क्या हम लोग को बोल्ट ऑडियो का जो है वो फील मिलता है, ठीक है। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं, और ये देख सकते हैं कि ओपन हो चुका है। ओपन करने के बाद ये हम लोगों ने इसको बाहर किया, ठीक है। और भाई काफ़ी इसका लुक जो है, बाकी इसको हम साइड में रखते हैं और सबसे पहले इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। तो इसमें भाई ये हमें यहाँ पर से वो टाइप सी का एक डाटा केबल मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं कि टाइप सी का है, और भाई इसका कोई ज़रूरत नहीं था क्योंकि फ़ोन में ऑलरेडी हमारा रहता ही है फ़ोन का चार्जर के लिए। और यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा यहाँ पर से वो इसके रबर्स दिए गए हैं, और यहाँ पर से मुझे जो है वो 100 रुपीज़ का गिफ्ट कार्ड दिया गया है, जो कि मैं नेक्स्ट बोल्ट ऑडियो का कुछ भी जब परचेस करूँगा तो इसको रिडीम कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी इसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दिए हुए हैं कि भाई कैसे हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं इसके मेन प्रोडक्ट की, जो कि देखने में इस तरह से लगता है। अभी मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ भाई कैसा यहाँ पर लुक दिया गया है, ठीक है। तो ये देख सकते कि भाई वाओ, इसका प्राइस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी यहाँ पर से देख लीजिए इसका जो किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है इस तरह से, और यहाँ पर से इसका जो लुक है वो कैसा है ये देख लीजिए, ठीक है। और बाकी इसका जो यहाँ पर से ये जो इसमें मैग्नेट जो दिया हुआ है, तो मैग्नेट देख सकते किस तरह से, ठीक है। अभी चलिए इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने फ़ोन से, और फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद देखते हैं कि कैसा हम लोग को यहाँ पर से वो साउंड मिलता है, कैसा फील मिलता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की। तो भाई शुरू में ये जब लॉन्च हुआ था तो ये टोटल 1799 का मिल रहा था, बट अभी जो मैंने परचेस किया अभी 1299 इसका प्राइस है। तो प्राइस भी जो है वो प्रोडक्ट के हिसाब से बहुत ही अच्छा खासा है। तो फाइनली मैंने आपको इसका अनबॉक्सिंग करके दिखा दिया है। अभी बात कर लेते हैं कि हम लोगों को इसको कनेक्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर से एक बटन सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा, इसको आपको थोड़ा देर ऐसे प्रेस करके रखना है, ठीक है। प्रेस करके रखने के बाद यहाँ पर से ऑटोमेटिकली एक लाइट जलेगा, यहाँ पर देख सकते कि एक लाइट आपको यहाँ पर से ब्लिंक होगा, ठीक है। तो कुछ देर आपको यहाँ पर से वो इसको प्रेस
प्रेस करके रखना है, और यहाँ पर से पावर ऑन का भी आपको एक ऑप्शन सुनाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर से ब्लू कलर का लाइट जो है वो ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक करने के बाद अभी यहाँ पर से मैं इसको जो है ब्लूटूथ ऑन करता हूँ, और ऑन करने के बाद सिंपली से यहाँ पर से मैं इसको जो है वो सेटिंग पर जा करके, अभी मोर सेटिंग पर जाते हैं। यहाँ पर से ये जो ब्लूटूथ का जो हमारा पेयर है, यहाँ देख सकते हैं कि बोल्ट ऑडियो करके यहाँ पर हमारा पेयर दिखा रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं कि पेयर दिखा रहा है। पेयर दिखाने के बाद अभी मैं इसमें सॉन्ग प्ले करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं अभी इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ, और अभी देख लेते हैं कि कैसा मुझे इसका फील मिलता है, ठीक है। अभी मैं आपको माइक पे सुनाऊंगा। तो मैंने यहाँ से म्यूजिक प्ले कर दिया है, अभी यहाँ पे सुनिए आप, सुन के बताइए कैसा आपको फील लग रहा है। तो ये जो आपका जो बेस है, क्योंकि यहाँ पर से मेन इसको जो है वो बोल्ट ऑडियो को जो है वो बेस के लिए ख़रीदा जाता है, तो बेस इसका सही है। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन था कि भाई ये जो वायर्ड है ये बहुत ज़्यादा जो लंबा दे देता है वो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो बेकार लगता है, ठीक है। बट यहाँ पे देख पा रहे कि ये एक एवरेज साइज़ का है, क्योंकि यहाँ पर से इसका जो वायर्ड है वो ऊपर से यहाँ पर से वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर से अगर मैं इसको अपने एयर से ऐसे अटैच करूँ तो यहाँ पर से इसका ग्रिप भी अच्छा खासा बनता है, जो कि यहाँ पर ईजिली जो है वो दोनों कानों में फिट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर से एक आपको कंफर्ट फील देता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर से कुछ ऐसा ही था हमारा बोल्ट ऑडियो एफ चार्ज का यहाँ पर से पूरा अनबॉक्सिंग एंड इसका रिव्यू। तो जाइए, अगर आपको इसको परचेस करना है तो परचेस आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा खासा इसका एक्सपीरियंस जो है वो शुरू में लगा है, ठीक है। अभी मैं कुछ दिन इसको यूज़ करता हूँ, यूज़ करने के बाद पूरा बैटरी बैकअप वगैरह क्या इसका देता नहीं देता टोटल चीज़ मैं आप सभी को अपने नेक्स्ट वीडियो के थ्रू जो है वो बताऊँगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये अनबॉक्सिंग वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को टोटल प्रोसेस जो मैंने आप सभी को करके दिखाया है वो भी पसंद आएगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इस तरह से जेन्युइन वीडियो वगैरह लेकर के आता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिलहाल वीडियो में ही तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।